मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। तानपुर ब्रेकिंग। पांडे नगर में स्थित पिनाक नेशनल स्कूल संचालक ने RTE 25 योजना को दिखाया ठेंगा। दर दर भटक रहा पिता, बच्ची को नहीं मिल रहा दाखिला। पीड़ित पिता ने गोविंद नगर विधानसभा भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी से लगाई न्याय की गुहार, वीडियो वायरल। बीते 4 माह RTE 25 के तहत बच्ची का पिनाक नेशनल स्कूल में हुआ था आवंटन। पीड़ित पिता न्याय के लिए BSA से लेकर खंड शिक्षा अधिकारी के चौखटों के लगा रहा चक्कर, बेटी को नहीं मिला दाखिला। पीड़ित अभिभावक का आरोप, पिनाक स्कूल संचालक ने बच्ची को दाखिला देने के एवज में पैसों की मांग। BSA कार्यालय में पैसों की मांग की शिकायत करने पर पिनाक स्कूल संचालक ने पीड़ित अभिभावक को झूठे मुकदमे में फंसाने की दी धमकी। लिखित शिकायत के बाद भी आखिर बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी ने मनमानी कर रहे स्कूल संचालक पर क्यों नहीं की कार्यवाही? पिनाक स्कूल संचालक पर क्यों मेहरबान बेसिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी? कानपुर से स्वैच्छिक दुनिया की ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम दिलदार सिंह है। मेरी बच्ची का RTE के तहत फर्स्ट लॉटरी में एडमिशन आया था पांडू नगर पिनाकल नेशनल स्कूल में। स्कूल में बहुत चक्कर लगाए, स्कूल संचालक ने हमसे फीस की डिमांड करी और कहा कि अगर आप फीस नहीं देंगे तो चाहे DM के पास जाएं चाहे BSA के पास जाएं, आपका एडमिशन नहीं लेंगे। BSA साहब के पास भी गए हम और दर दर सभी ऑफिसों में चक्कर लगाने के बाद भी हमारी बच्ची को एडमिशन नहीं मिल रहा। सुरेंद्र मैथानी जी से मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, मेरी बच्ची का एडमिशन कराएं। और स्कूल संचालक मेरे को धमकी देता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ ये करूँगा वो करूँगा, और मेरी बच्ची को एडमिशन नहीं मिल रहा। मेरे को विधायक सुरेंद्र मैथानी जी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि मेरी बच्ची के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरी बच्ची को RTE के तहत मेरा एडमिशन कराया जाए, मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।